जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस दिया हुआ है और उसके बाद बजटेड वेरिएंस दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, पहले वो डाटा जो अवेलेबल है वो लिखिए और उसके बाद आपने दूसरा फाइंड आउट कर लेना है। सो बजटेड और अप्लाइड का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपके पास आएगा वॉल्यूम वेरिएंस। अब इसके अंदर जो है उसने दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो उसने दिया है, पहली लाइन में है इन जून द वॉल्यूम वेरिएंस ऑफ हिलाल प्रोसेस कॉरपोरेशन वाज जीरो। वॉल्यूम वेरिएंस कितना है हमारे पास, जीरो। ये फॉर्मूला हमने पहले से याद किया हुआ है, बजटेड और अप्लाइड को माइनस करें तो हमारे पास जो है वॉल्यूम वेरिएंस आता है। और ये डाटा है हमारे पास जून का, क्लियर। तो अब हमारे पास देखते हैं कि बजट इन दोनों में से उसने क्या दिया है। कहता वाज जीरो एंड द बजटेड वेरिएंस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 6000 और उसके बाद यहां पे हेडिंग दे बजटेड वेरिएंस। सो बजटेड वेरिएंस डिफरेंस होता है बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का। अब आगे देखें इनका डाटा दिया हुआ है, ये उसने कहा जी बजटेड वेरिएंस शोव्ड अ डेबिट ऑफ 6000 क्या है हमारे पास डेबिट, और ये याद करवाया था डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल, सो डेबिट होता है अनफेवरेबल और क्रेडिट होता है फेवरेबल। अच्छा जी, जीरो जीरो है, सारी बात है, जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, तो इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से हमें कोई एक चीज वो बता देगा, या वो बजटेड की वैल्यू दे देगा या फिर वो अप्लाइड की वैल्यू दे देगा, तो बाकी हम निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ दोनों में से भी एक चीज वो बता देगा और बाकी हम लोग निकाल लेंगे। नीचे वाली लाइन में कहते हैं उसके बाद कहते हैं जी इन जुलाई, जुलाई का डाटा आ गया, जुलाई का डाटा कहता है जी हमारे पास है वॉल्यूम वेरिएंस है वो है डेबिट 8000। सो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास बजटेड एफओएच और ये डिफरेंस है बजटेड और अप्लाइड का। और जो इसका उसने आंसर दिया है वो दिया है 8000 डेबिट। डेबिट क्या होता है, अनफेवरेबल, ठीक हो गया। और दूसरा वेरिएंस था हमारे पास बजटेड वेरिएंस। सो बजटेड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। अच्छा जी, कोई बंदा ये बता दे कि ये दो साल का, ये दो महीनों का डाटा क्यों दिया है, जून और जुलाई का। वो इसलिए दिया हुआ है बिकॉज कि हमने लो एंड हाई पॉइंट मेथड यूज करना है, तो दो डाटे हमारे पास दिए होंगे, एक हाई होगा एक लो होगा दोनों में से। अच्छा जी, अब ये जो बजटेड वेरिएंस है इसका आंसर उसने दिया है जीरो, क्लियर। उसके बाद कहते हैं इन जून एक्चुअल एफओएच वार 70000। इन जून, ये जून है, एक्चुअल कितना है यहां पे वो लिख दिया हमने। उसके बाद आगे कहता है आउटपुट कितनी यहां पे 8000, आउटपुट है हमारी 8000। उसके बाद कहते हैं जुलाई में द एक्चुअल एक्सपेंसेस वाज 56000, तो जुलाई में एक्चुअल कितने हैं 56000, क्लियर हो गया। और उसके बाद कहते हैं आप और आउटपुट वाज 6000, तो आउटपुट है उसकी 6000। और अगस्त में कहता है कि वो 9000 है, इसको अगस्त वाले को हमने बाद में निकालना है, तो उसको मैं बाद में डील करते हैं, पहले इस पर आ जाएं, इसको क्लियर कर लें। सबसे पहले ये देखें बजटेड वेरिएंस है, दोनों का आंसर है जीरो,
रिवर्स जाएं, इसमें से कोई ऐसी रकम होगी जिसमें से ये माइनस करने के बाद आंसर आपका आया है ज़ीरो। कौन सी रकम? 56,000। सो 56,000 में से 56,000 गया तो हमारे पास आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया 56,000। 56,000 यहाँ आया है तो इसी 56,000 को यहाँ पे पुट कर लें। ये क्लियर हो गया ना सबको? ये आपको दिया था उसने, ये दिया हुआ था, ये मिसिंग था, ठीक है। तो इसमें से हमने ज़ीरो माइनस किया तो आपके पास 56,000 आ गया दोबारा। अब यही वाला जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे बजट में 56,000। क्लियर है? अच्छा जी, वॉल्यूम वेरियस क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वॉल्यूम वेरियस में हम आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट को देखेंगे कि हमारी आउटपुट कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि अगर हम बजट जो है वो हम बनाएंगे ज़्यादा और उसमें से अप्लाई कम करेंगे तो हमारा अनफेवरेबल आएगा, और अगर हम अप्लाई ज़्यादा करते हैं, बजट कम बनाते हैं तो वो फेवरेबल होगा। अप्लाई से मुराद है वो पैसे जो एक्चुअली आपने स्पेंड किए हैं, अप्लाई किए हैं। बजट में बनाता हूँ 5,000 और अप्लाई कर देता हूँ 7,000। अब प्रोडक्शन के लिहाज से फ़ायदेमंद है क्योंकि आपने अप्लाई ज़्यादा किया है, यानी कि आपने काम ज़्यादा कर लिया है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना आपके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ अनफेवरेबल। सो अनफेवरेबल से मुराद ये है कि आपने बजट ज़्यादा बनाया लेकिन अप्लाई कम किए, ठीक है। तो इस 56,000 में से ये 8,000 माइनस कर दें। क्लियर हो गया? हमें ये याद करना था, ये कंसेप्ट हमने पहली क्लासेस में किया है कि बेसिकली फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या है। तो जब आप काम ज़्यादा करेंगे वो फेवरेबल होगा, काम आप कम करेंगे तो वो अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने काम जो है वो कम किया है तो ये आपके पास जो है वो अनफेवरेबल आ गया, ठीक हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको डाटा दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। बजट वेरियंस में हमने कहा था फेवरेबल कब होता है, जब आप बजट ज़्यादा बनाएं और एक्चुअल कम आए वो आपका फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है अनफेवरेबल। इसका मतलब मुराद ये है कि आपने बजट कम बनाया था लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हो गया। तो इसमें से 70,000 में से 6,000 माइनस कर दें क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा आने ना, तो इसलिए ये बन जाएगा आपने बजट बनाया था 64,000 का बट आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस आ गए हैं 70,000। दैट्स वाई यू हैव अ अनफेवरेबल बैलेंस। क्लियर? ये आ गया। अब यहाँ पे आपने बेसिकली ये निकाल लिया, ये दिया हुआ था और ये मिसिंग था। अब ये वाला जो डाटा ये उठा के आपने डालना है यहाँ पर 60। सो आंसर है हमारे पास ज़ीरो। तो इसमें से ज़ीरो माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास, सबको क्लियर है? ये बैलेंसिंग फिगर है और ये हमें दिया हुआ है, दिया हुआ था ना यहाँ पे जो आपने निकाला था। इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें मेन कंसेप्ट जो है वो ये वाला है फेवरेबल और अनफेवरेबल। जिसको ये आता होगा वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अच्छा, तो इसमें बेसिकली हम लो एंड हाई पॉइंट मेथड जो है वो कर रहे हैं। तो लो एंड हाई पॉइंट मेथड में बेसिकली हम लोग जो है वो लेते हैं अंडर दिस मेथड आउटपुट एट दो टू डिफरेंट लेवल्स, हाई और लो पॉइंट इज़ कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या पीरियड्स। सो हम लोग जो हैं वो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जो हाईएस्ट हमारी आउटपुट होती है और उसके बाद जो लोएस्ट आउटपुट होती है उसको, और उसका बजटेड FOH ले लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। और वो जो डिफरेंस होता है वो बिकॉज़ के आपके पास दो चीज़ें होती हैं बजटेड FOH में, फिक्स FOH और उसके बाद हमारे पास होता है वेरिएबल FOH। सो वेरिएबल जो है वो चेंज होता है और जो फिक्स FOH वो बेसिकली चेंज नहीं होता, दैट रिमेन्स फिक्स, ठीक है। तो फिक्स FOH फाइंड आउट करने के लिए और जो है वेरिएबल रेट फाइंड आउट करने के लिए हम लो एंड हाई पॉइंट मेथड यूज़ करते हैं। समटाइम क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास दिया होता है हाईएस्ट आउटपुट दी होगी
और उसके बाद लोएस्ट आउटपुट दी होगी, तो हम उन दोनों को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सपोज हम कहते हैं जनवरी फेबररी मार्च ये सब कुछ दिया होता है, तो हम फिर भी जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर वो 64,000 जो है सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारा हाईएस्ट और FOH है, और उसके बाद 56,000 जो है वो लोएस्ट FOH है। दूसरी साइड पे इसलिए आउटपुट ले लेंगे, जो 64,000 है उसकी 8,000 आउटपुट है, और जो 56,000 है इसलिए 6,000 जो है हमारे पास आउटपुट है। तो आउटपुट के दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट डिफरेंस ले लेंगे, और इसी तरीके से FOH जो है हाईएस्ट और लोएस्ट उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 64,000 इसलिए 8,000 आउटपुट है, और 56,000 इसलिए 6,000 आउटपुट है। उसके बाद जो है ये जो 8,000 है ये हमारी जून की है, और उसके बाद जो 6,000 ये हमारी जुलाई की है। अब जून सीक्वेंस वाइज पहले आता है और जुलाई बाद में आता है, हमने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना, बल्कि हमने ये देखना है कि ऊपर हमने हाईएस्ट लिखनी है और उसके बाद नीचे हमने लोएस्ट लिखनी है, और उसके बाद इन दोनों का हमने निकाल लेना डिफरेंस। तो ये 2,000 आ गया और इधर जो है वो 8,000 आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग जो हैं इनके साथ रुपीज़ लिख देंगे। अगर आप लोग सेमेस्टर सिस्टम में कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग रुपीज़ वगैरह काउंट नहीं करते, लेकिन जब आप एनुअल सिस्टम में काम कर रहे हो तो ये रुपीज़ ना लिखने के भी मार्क्स आपके कट जाते हैं। और इसके बाद जो है हम बेसिकली जो है इनके निकालेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल रेट है वो हम लोग निकाल लेंगे। ओके, सो अब हम निकालेंगे वेरिएबल रेट। सो वेरिएबल रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन बजटेड FOH डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज जो है उसको हम डेल्टा के साथ भी डिफाइन या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो चेंज इन बजटेड FOH 8,000 डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट है वो है 2,000। तो जो हमारे पास वेरिएबल रेट आया वो आ गया 4। सो आप इसके साथ रुपीज़ लिख देंगे, रुपीज़ 4 पर यूनिट आ जाएगा आपके पास।
आपने अभी कैलकुलेट किया कितना आया था, बजटेड एफओएच अभी हमने किया था कितना आया था? $68,000। और एक्चुअल एफओएच उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो उसने कहा जी इन अगस्त द आउटपुट वाज 9,000 एंड द एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 71,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आया 3,000। अब आपने बजट बनाया 68,000 का और एक्चुअल आ गए 71, तो बजट आपने बनाया है कम, एक्चुअल खर्चा आ गया ज़्यादा, तो ये हमारा है अनफेवरेबल। उसके बाद बजटेड एफओएच दिया हुआ है वो ले लें 68,000, और अप्लाइड एफओएच हमने कैलकुलेट किया था 72,000 था। ठीक है, तो आंसर इज 4,000। अगेन हमारे पास जो है बजट आपने 68,000 किया है और अप्लाई आपने किया है 72,000, तो आपने ज़्यादा अप्लाई किया है, ये हमारा क्योंकि बजट आपने बनाया 8,000, आपने काम कर लिया 9,000, तो आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया है, इसलिए ये आपके पास आ गया फेवरेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए क्रॉस चेक उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। जो हमारा क्रॉस चेक है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, बजटेड वेरियंस और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम वेरियंस। सो बजटेड वेरियंस हमारे पास आया है डेबिट 3,000 और ये वाला आया हमारे पास क्रेडिट 4,000, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1,000। बड़ी रकम कौन सी है, ये वाली, तो ये आ गया हमारे पास 1,000। तो ये हमारा बेसिकली है ओवरऑल वेरियंस, और इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग आस्क कर सकते हैं।